हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के एक एक आवास बने हैं, 2,61,00,000 गरीबों के घरों में शौचालय बने हैं, 1,56,00,000 परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिले हैं, 1,43,00,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई है, पहली बार उनके घरों में निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगे हैं। प्रदेश के अंदर 9,00,00,000 से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में 5,00,000 रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हुआ है। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस पूरी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था करना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन ये भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का ये डबल डोज है, यानी राशन फ्री, महीने में 2 बार राशन फ्री। 15,00,00,000 लोगों को प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यही समतामूलक समाज की स्थापना का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व्यवस्था का, सुशासन का हिस्सा है। ये विकास को भी अपने साथ जोड़ता है, समाज के प्रत्येक तबके के विश्वास को भी अपने साथ अर्जित करता है और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं, विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और आज उन्होंने खिचड़ी सह भोज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समता का और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके साथ सबके विकास के उस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को